कल 5 बजे देवली उनियारा की धरती पर अलीगढ़ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चौराहे पर हमने मीटिंग रखी है, जिसमें सुबह 12 बजे जयपुर में रहने वाले सभी छात्र जिनके पास मोटरसाइकिल है, जिनके पास जो भी साधन है, गाड़ी घोड़े हैं, वो अपनी गाड़ी घोड़े साधनों के साथ व्यवस्था के साथ जवाहर सर्कल पधारे, और जो बच्चे जो भाई जिनके पास साधन नहीं है, जिनका दिल मेरे लिए धड़कता है, जिनके दिल में मेरे लिए जगह है, वो कृपा करके अपने भाई के लिए कल 12 बजे जवाहर सर्किल पधारे। हम आप सबके लिए जो भी हमसे साधन की व्यवस्था होगी, बसें मिनी बसें जो भी होगा, हम यहाँ से 12 बजे रवाना होंगे देवली उनियारा के अलीगढ़ में, और अलीगढ़ की जनता देवली उनियारा की जनता के बीच में जाकर जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद जो जनता फैसला देगी उस फैसले को हम अमली जामा पहनाएंगे। जो फैसला जनता का होगा उसको हम मानेंगे। मेरे भाइयों, मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है चुनाव लड़ना, और मेरे लिए यह भी जरूरी नहीं है कि मैं 2028 के चुनाव में विधानसभा में पहुंचूं। मेरे लिए जरूरी यह है कि जिस तरह से राजकुमार रोत ने महेंद्रजीत मालविया और रघुवीर सिंह मीणा जैसे जो बड़े बाहुबली नेता बनते थे उदयपुर में, उनको घर बिठा दिया, उसी तरह आपका ये भाई भी, ये जो सेंसा बैठे हैं पूर्वी राजस्थान में, और इस तरह के जो ये लोग बैठे हैं जो केवल अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, मैं कुछ बनूं कि नहीं बनूं, पर इनके घरों इनकी दुकानों को बंद कर दूंगा, इनको घरों में कैद कर दूंगा, इनके बच्चे इनके आने वाली पीढ़ियां कभी ये नहीं सोचेगी कि हम राजनीति में ऊपर के आशीर्वाद से आ जाएं। इसलिए कल जिनको ये लगता है कि मेरे में मैं जो बोल रहा हूं मेरे अंदर को सच्चाई है, वो सब लोग कल अलीगढ़ में पहुंचे। ये एक नई क्रांति पैदा होगी, जैसे उदयपुर बांसवाड़ा में क्रांति पैदा हुई, जैसे चंद्रशेखर आजाद जैसे बाकी लोगों ने क्रांति पैदा की, उसी तरह से कल राजस्थान की पूर्वी से लेकर और हाड़ौती तक भी एक नई क्रांति हम पैदा करेंगे। इसलिए जो भी ऐसे जो क्रांतिकारी साथी हैं जो नई सोच के साथ आना चाहते हैं, वो सब जिनको दिल में मेरे लिए जगह है, कल आप देवली उनियारा शाम को 5 बजे अलीगढ़ की धरती पर पधारे। कल एक नया इतिहास हम लोग रचेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जनता जनार्दन जिसके लिए कहेगी, जिसको चुनेगी, हम सब उसके साथ खड़े होंगे। अब आज के बाद मैं अगर राजनीति करूंगा तो एक नई पीढ़ी की नई सोच के साथ राजनीति करेंगे।